सुमेर बेटे ये से मारी मुता आवेली फिर अटक गई। चलिए चाचा जी, अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पछताओगे चाचा जी, पूरी तरह से पछताओगे। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलते अवर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलते अवर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जी आवाज कहाँ से आई? घबराइए मत चाचा जी, मेरी जेब में कुछ छुट्टे पैसे हैं जो खनक रहे हैं, ये देखिए। और आप खामखा ही डर रहे हैं? अरे डर तो जे अवेली माँ कैद से सुबीर बेटा, अम्रपाली की भटकती हुई आत्मा के साथ। जे वो जगह से जहाँ पिछली बार मन्ने दिखी थी वो, वहाँ के पायलों की खनक, वहाँ के लहराते हुए बाल, वहां का जला हुआ आधा चेहरा, कोफरा चेहरा, बाकी लाल लाल घूरती हुई चुपती हुई आंखें। ना सुबीर बेटे ना, ये अम्रपाली इस हवेली में किसी को रहने नहीं देगी। चाचा जी, ये आपका वहम है, या तो फिर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा मजाक किया है। खैर छोड़िए, बस आप इजाजत दीजिए, फिर देखिए मैं और मेरे पार्टनर्स मिलकर इस हवेली को एक 5-स्टार होटल में बदल देंगे, और ऊपर से आप 50% के पार्टनर। रे ना रे, पीसे से बढ़कर जान होवे से। अम्रपाली ये हवेली किसी के कब्जे में नहीं जाने देगी। ना, अरे ये तो जरीबा से मारी हवेली का पहरेदार। खम्मा घड़ी हुकुम। इतनी रात को इस वक्त आपका आना कैसे हुआ? ये मारा भतीजा से सुबीर जायसवाल शहर से आया है, हमारी हवेली को खरीदना चाहे से। मौत को भी कोई खरीद सके? ये हवेली भूतिया है, जान ले लेगी थारी। अच्छा एक बात बताएं, ये आम्रपाली थी कौन? आज से 250 साल पहले एक राज परिवार यहाँ रहा करता था, उसकी बड़ी बहू थी आम्रपाली। संतान की लालच में उसने काले जादू का सहारा लिया, और एक पागलपन में गलती से उसने अपने आप को जला दिया। तब से कहते हैं कि इस हवेली में उसकी आत्मा भटकती रहती है। देखिए, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूं चाचा जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार मेरा प्लान देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक, वरना आपका फैसला। ये तो गलत फाइल है, सही फाइल मैं अपनी गाड़ी में भूल आया हूँ, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। भाई साहब मैं भी चलता हूँ, बाहर जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। चलिए। साहब जी। हाँ क्या हुआ? वो
मैं अपनी बंदूक की गोलियां फुलाया हूं। पास में मेरी झोपड़ी है, मेरा बेटा नंदू वहां होगा, मैं उसे गोली लेके आता हूं। अरे लेकिन अजीब आदमी है। हाँ विकास बोलो। नहीं यार नहीं मान रहे, वो अभी भी वही पुरानी भूत प्रेत की कहानियों को लेकर बैठे हैं चाचा जी। इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है उन्हें, करोड़ों का मुनाफा होगा, लेकिन ये जितनी भी ओल्ड जनरेशन है ना, यू नो दे आर लाइक हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति है, और हम अक्सर उसे ही अपनी कमजोरी बना लेते हैं, जैसे चाचा जी। अरे माफ कर दे, अरे माफ कर दे, कभी जाने नहीं, कभी जाने नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं बेचूंगा यहाँ मेरी ट्रेन। चाचा जी, चाचा जी, इसके कातिल आम्रपाली, भूत, 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 इसके कातिल आम्रपाली। मार दे मारे मालिक को तूने। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा चाचा जी को, मैंने नहीं मारा। चुप, चुप। आम्रपाली की आत्मा ने मारा, मैंने नहीं मारा चाचा जी को, मैंने नहीं मारा। चुप। चाचा जी को मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने चाचा जी को। ओ खुदाई, आत्मा ने खून किया, देखो केडी। आत्मा ने खून किया। सुबीर जसोल अरेस्टेड फॉर मर्डर क्लेम्स दैट स्पिरिट committed the crime. Wow. वो सच्ची बोलता है। Right, right. आत्मा लोग ऐसी हवेली में रहता है। मेरे धानू के घर के पास एक भूत बंगला है। उधर मैंने चुड़ैल को देखा है। Right, Mrs. Villamoria. वैसे एक चुड़ैल तो मेरी बिल्डिंग में भी रहती है, लेकिन आजकल के जमाने में ये। मिस्टर केडी पाठक जी, मैं विकास केजरीवाल, सुबीर जैसोल का बिजनेस पार्टनर। आइए आइए बैठिए, अभी आप ही की पार्टनर की बात चल रही थी। ये अखबार में छपा है उनके बारे में, कत्ल के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इल्जाम किसी आत्मा पर डाल रहे हैं। वो सही कह रहे हैं मिस्टर केडी पाठक, और मुझे यकीन है कि मर्डर उसने नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि अदालत को ये यकीन आप दिलाएं सुबीर का केस लड़कर। राइट, मिस्टर केजरीवाल, राइट, अदालत को मैं यकीन तो दिला दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तो यकीन होना चाहिए कि आजकल के जमाने में आत्मा। जब आप उससे मिलेंगे तो उसकी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगे। मैं भूत नहीं केडी पाठक हूं, तुम्हारा वकील।
तुम्हारे पार्टनर विकास ने भेजा है मुझे। मैंने नहीं मारा चाचा जी को, आम्रपाली ने मारा है, उसकी आत्मा ने मारा है और वो मुझे ही मार डालेगी। आत्मा? हाँ आत्मा, उसी ने मारा है चाचा जी को, उसी ने मारा चाचा जी को, उसी ने मारा, हाँ उसी ने मारा है, उसी ने मारा है। सुबीर, सुबीर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठो, बैठो। देखो सुबीर, अदालत भूत प्रेत में नहीं सबूत में मानता है, और अगर यही बात तुमने अदालत में कही तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मेरी बात सुनो, अदालत में सिर्फ इतना कहना है तुम्हें कि तुमने अपने चाचा जी का खून नहीं किया, और किसने किया ये तुम नहीं जानते, अंडरस्टैंड? दैट्स इट। फिर उन्हें मारा किसने? ये तो सबसे अहम सवाल है सुबीर, कत्ल किया किसने? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर बॉडी गांव से लगी हुई एक हवेली है, बैरागढ़ हवेली। 40 एकड़ जमीन, 50,000 स्क्वायर फीट की आलीशान हवेली, जिसकी ऑफिशियल कीमत 150 करोड़ से कम नहीं होगी, और ऐसी शानदार प्रॉपर्टी जिसके लिए कोई भी बिल्डर अपना दाहिना हाथ तक दे सकता है, या फिर जैसा इस केस में हुआ, कोई भी उस हवेली के मालिक की जान तक ले सकता है। ये झूठ है। योर ऑनर, सुबीर जसोल और उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर विकास केजरीवाल बैरागढ़ हवेली को एक 5-स्टार होटल बनाना चाहते थे, लेकिन हवेली के मालिक झुज्जर सिंह इसके सख्त खिलाफ थे, इसीलिए 26 जनवरी की रात सुबीर झुज्जर सिंह को अकेले उस हवेली में ले गए और इस कैंडल स्टैंड से उनकी हत्या कर दी, जिसके गवाह है Your Honor, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयान के मुताबिक किसी ने कत्ल को होते हुए नहीं देखा। सच तो यह है कि सुबीर बाहर गया था गाड़ी से पेपर्स लाने, और हवेली में लौटते ही इसने अपने अंकल की लाश पाई। तो फिर इस मर्डर वेपन पर यानी कैंडल स्टैंड पर सुबीर की उंगलियों के निशान कहां से आए? वो निशान मेरे बाहर जाने से पहले के हैं, जब मैंने उस कैंडल स्टैंड को उठाया था। तो फिर इस पर खूनी की उंगलियों के निशान क्यों नहीं है? क्योंकि वो खूने का आदमी। रुक क्यों गए? बोलिए मिस्टर सुबीर। अदालत भूत प्रेत में नहीं सबूत में मानता है, और अगर यही बात तुमने अदालत में कही तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। खून किसने किया? जवाब दीजिए, बताइए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के इस सवाल का जवाब देंगी मेरी पहली गवाह मिस विद्या राठौड़। मिस विद्या राठौड़, क्या ये सही है कि जुज्जर सिंह जी आपके सौतेले चाचा जी थे? हाँ, और सुबीर भैया मेरे कजन। तो क्या ये भी सच है कि जुज्जर सिंह जी ने अपनी वसीयत में बैरागढ़ की हवेली आपके नाम कर दी थी? हाँ, ये सच है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जुज्जर सिंह जी की मौत से पूरा का पूरा फायदा आपका हुआ। हाँ, लेकिन इतने बड़े खंडर का मैं क्या करती, इसीलिए सुबीर भैया से मैंने पहले ही बात कर ली थी कि अगर चाचा जी मर जाएंगे तो उनके बाद हवेली में उन्हें बेच दूंगी। Really? क्या विद्या ने तुमसे ऐसा कहा था सुबीर? जी। इसका मतलब तुम्हारे चाचा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। जस्ट अ मिनट, प्रोसिक्यूटर सर, आप बैरागढ़ हवेली आखिरी बार कब गए? जी, 4 महीने पहले चाचा जी ने मुझे वसीयत करने के लिए बुलाया था। ओके। और कत्ल की रात को आप कहाँ थी? पूना में, मेरी फ्रेंड की शादी थी। पूना में आपकी सहेली की शादी में आप गई थी, तो यकीनन आपकी सहेली की मैरिज रिसेप्शन बैरागढ़ हवेली में हुई होगी, क्योंकि कल मैं वहाँ गया था और वहाँ से मैंने आपके फुटप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान और आपके बाल
ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये निशान 4 महीने पुराने भी हो सकते हैं मिस्टर डिफेंस लॉयर। जी मैं उस रात वहां पर थी ही नहीं, ये निशान 4 महीने पुराने हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये सारे निशान, आपके फुटप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान 4 महीने पुराने हैं, लेकिन योर ऑनर ये बाल 4 महीने पुराने नहीं हो सकते। योर ऑनर एज यूजुअल डिफेंस लॉयर बाल की खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल नहीं योर ऑनर, मैं बाल पे से सवाल उठा रहा हूँ। ये विद्या के 4 महीने पहले की फोटो। सेंटा क्रूज ब्यूटी पार्लर का ये कहना है कि 4 महीने पहले आपके बाल ब्राउन थे और कत्ल के 3 दिन पहले आपने अपने बाल ब्लैक करवाए। मैं उस रात वो हवेली में ही थी। योर ऑनर, उस रात विद्या हवेली में ही थी। हवेली में क्यों थी तुम विद्या? जी मुझे डर था कि चाचा जी अगर अपनी जिंदगी में ही ये हवेली किसी और को बेच देंगे तो मेरा क्या होगा, इसीलिए मैं उस रात वो देखने के लिए गई थी कि वो सुबीर भैया को हवेली बेचते हैं या नहीं। देखने गई थी या ये निश्चित करने गई थी कि आपके चाचा जी किसी और को वो हवेली ना बेचे उनका खून करके? कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं उस रात वो हवेली में ही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुबीर भैया ने चाचा जी का खून कर दिया। विद्या तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। वो सच बोल रही है, खून तुम्हीं ने किया है। खून मैंने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है। किसने बताइए, किसने? आम्रपाली की आत्मा ने। ऑर्डर ऑर्डर, आत्मा ने? हाँ आत्मा ने, राजकुमारी आम्रपाली की आत्मा। Order, order. मैं जानता हूं कि आप सब लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इनफैक्ट मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसे खुद देखा है जज साहब। उसने ही चाचा जी का खून किया है, उसने खुद कहा है मुझसे। उसके लहराते हुए बाल, उसकी लाल लाल आंखें, उसका जला हुआ चेहरा। योर ऑनर, ये कत्ल एक आत्मा ने नहीं, एक इंसान ने किया है। नहीं केड़ी, वो आत्मा ही थी, उसने खुद बताया मुझे कि वो आम्रपाली है। तो इसका मतलब कातिल आप नहीं, आम्रपाली की आत्मा है, राइट? हाँ, आम्रपाली की आत्मा। पहले तो उसने अपना नाम लिया और उसके बाद उसका सर ये गोल गोल घूमने लगा और फिर एक धमाके के साथ वो गायब हो गई। सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जड़ीवा से पूछ सकते हैं सर, इस हवेली का रखवाला। भूत प्रेत की कहानी तो हर हवेली में हुआ करती है, जो इसमें भी है, लेकिन हमने 40 सालों से उस हवेली में कुछ नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तुम, तुमने खुद कहा है मुझसे कि तुमने आम्रपाली को देखा है। अरे क्या कहते हैं साहब, मुश्किल से एक आंख है हमारी, एक हाथ, अगर ये भी गलत देखने लगे तो लानत है हम पर। कोई भला नहीं है उस हवेली में, कोई भला नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर जसोल, आपको पता है अदालत रूहानी शक्तियों को नहीं मानती है। ये सब कहने से आपके मुकदमे पे गहरा असर पड़ सकता है। तो क्या कहूं जज साहब, कि मैंने मारा चाचा जी को? आप सब लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चाचा जी को आम्रपाली की आत्मा नहीं मारा है। केस में ट्विस्ट, मिस्टर डिफेंस लॉयर। आज तक आप अपने सारे क्लाइंट्स को बचाते आए किसी और इंसान पर इल्जाम डालकर, लेकिन इस बार अगर आपको अपने इस क्लाइंट को बचाना है तो आत्मा को अदालत में बुलवाकर उससे अपना गुनाह कबूल करवाना होगा। आत्मा को पेश करो या परमात्मा को याद करो। ऑल द बेस्ट मिस्टर केडी पाठक। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। बापू तुमने झूठ क्यों बोला?
माय गॉड यार, किडे बचपन से मेरे अरमान थे कि मैं भूतिया महल देखूं। आज तूने दिखा दिया, थैंक यू वेरी मच। क्या लोकेशन है यार, एकदम फिल्मों जैसी। आइए साहब जी, आइए। मारो छोरो नंदू। और वो कौन है जो वहां छुपे हमको देख रहे हैं? भानुदास सिंह जी, पास में उनकी हवेली है। हैनी साहब थी, अब तो एक होटल है। चले? नहीं साहब जी, आप ही जाइए। क्यों? अदालत में तो आप कह रहे थे कि आप 40 साल से यहाँ हैं और इस समय में आपने कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा, अब किस बात से डर रहे हैं? भूत से या झूठ से जो आपने अदालत में बोला? एनीवे, नंदू तुम चलो। साहब हम तो इन बातों में विश्वास ही नहीं करते हैं, थोड़ा कुछ काम भी है, बापू के लिए दवाई लेके आनी है। अच्छा कोई बात, जाइए, थैंक यू। हाँ भाई चले। हाँ चलो। आम्रपाली, क्या हुआ? आम्रपाली जी आइए आइए, शर्माइए मत। क्या हुआ? केडी चले क्या? अरे रुक ना, अभी तो आम्रपाली आएगा, उसका वो अपना म्यूजिक वीडियो निकाले। आम्रपाली जी इधर से आवाज है? कोई आवाज नहीं आई जी, खामा खा डर रहा है। जागते रहो जागते रहो। चलना यार। अरे रुकना जलवेल, अब आए हैं तो आम्रपाली से मिल के जाएंगे, है ना? हाँ बंदूक वाले भाई साहब, ये बंदूक असली है, चलती है? हाँ जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आप पर नहीं चलाऊं, तो कृपया करके बताइए कि आप इसे हम पर क्यों चलाना चाहते थे? मैं तो तन्ने को डराना चाहता था, नहीं ताकि तुम वो केस ना लो और सुबीर हार जाए। सुबीर हार जाए? क्यों चाहते थे कि सुबीर हार जाए? क्या है ना साहब कि वो इस हवेली में 5-स्टार होटल खोलना चाहे था, बगल वाली हवेली में मेरा होटल है छोटा सा, और यहाँ अगर ये होटल खुल गया तो मेरे होटल को कौन पूछेगा, बस यही बात है साहब। समझ गया, इसीलिए आपने वो आत्मा का नाटक करके जुज्जर सिंह को मारा है ना? नहीं 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 साहब, मैंने उसको नहीं मारा, वो तो एक आत्मा है जो जिलमिल, तेरी गर्लफ्रेंड आ गई। कौन? अरे आम्रपाली। डरा मत यार। किटी ये सब क्या है यार, यहाँ जरूर कोई आत्मा है। किटी वो भाग गया, हम लोग भी चले। चल भाई रुकना, अभी तो शो शुरू है।
कौन हो तुम? आम्रपाली। आम्रपाली। जिनमिल, 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 जिनमिल क्या हुआ? झिलमिल यार, काम कर रहे थे? मैंने तुमको बोला था ना, आत्मा होती है, देखो। This is Vilmoria और झिलमिल, please ये पीछे से साउंड इफेक्ट देना बंद करो, मुझे कंसंट्रेट करने दो। ओके ओके, थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसने की है गड़बड़? शैतानी करामत है ये, पूरी शैतानी करामत। ऐसी अजीब, उसके बाद भी तू कह रहा है यार। देख चिलमिल, हाँ, ये किसी शैतान का नहीं, इंसान का काम है। अच्छा सुन ना, कल मैं हवेली वापस जा रहा हूँ, चलेगा ना? मैं नहीं आ रहा हूँ। के डी पाठक, असली कातिल को ढूंढ निकाला आपने? जी मिस रोहिणी मलिक, असली कातिल को ढूंढ निकाला मैंने। सुबीर बिल्कुल सच कह रहा, जज्जर सिंह का कत्ल आम्रपाली की आत्मा ने ही किया है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा ने सुझाव दिया था कि अगर ये बात साबित करनी है तो मुझे आत्मा को अदालत में बुलाना पड़ेगा। मैं वही करने जा रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर केडी, तुम एक आत्मा को अदालत में बुलाने वाले हो? उप्स, बुलाने वाला नहीं योर ऑनर, बुला चुका हूँ, वो यही है हमारे बीच। आइए। योर ऑनर, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो भी हो रहा है आत्मा कर रही है। प्लीज केडी, बंद करो ये सब। Ha 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 ha!
भटकती आत्मा, मैं एक भटकती आत्मा हूँ। ये बताओ कि जुज्जर सिंह का कत्ल किसने किया? आम्रपाली की आत्मा ने। क्या था केडी? चमत्कार योर ऑनर, लेकिन कुदरत का नहीं, इंसान का चमत्कार। अभी अभी अदालत में जो हुआ, उस दिन हवेली में कुछ ऐसा ही हुआ था। अलाउ मी टू शो यू योर ऑनर। योर ऑनर, कल मैंने एक साउंड एंड लाइट टीम की मदद लेकर कोर्ट में ये वायरलेस साउंड स्पीकर्स लगवाए हैं। ये है आत्मा की आवाज। मैं एक भटकती आत्मा हूँ। के लाइट मीटर बॉक्स के पास एक आदमी रखा जिसने अल्टरनेटर के जरिए ये लाइट्स फ्लिकर की। लेकिन वो उड़ता हुआ रोशनी का साया? आपके पीछे रखा हुआ प्रोजेक्शन बॉक्स जो कुछ पलों के लिए लाइट प्रोजेक्ट करता है, जिससे ऐसा लगता है कि रूह उड़कर गई। और वो गायब होने वाली रूह? हाँ, वो जादू की सबसे पुरानी ट्रिक, द राइजिंग लेडी। एक वायर पे ह्यूमन जिस्म के शेप में एक वायर मैश बनाया जाता है और उसके ऊपर चादर। इनविजिबल वायर खींचते ही वायर मैश गायब और चादर नीचे। लेकिन वो आम्रपाली की आत्मा जिसे मैंने हवेली में देखा था? तुम्हारा मतलब है ऐसा कुछ? ये तो मेरा दोस्त झिलमिल है। झिलमिल, अपना मास्क तो उतारो। आम्रपाली की आत्मा योर ऑनर। लेकिन इसका तो सर गोल गोल घूमा था 360 डिग्री। दिस इज इम्पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? मैं समझाता हूं। जिल में जरा मास्क। योर ऑनर, इस मास्क के ऊपरी हिस्से पर एक सिलेंड्रिकल प्लेट लगा है जिसका वायर कनेक्ट होता है एक रेड बटन पर, जिसे दबाने से स्पेशल इफेक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां अवार्ड नहीं, फ्रॉड के लिए सजा दी जाएगी। लेकिन फिर वो आत्मा, वो औरत गायब कैसे हुई? वेरी सिंपल योर ऑनर, रिमोट ट्रिगर डैश बॉम्ब जिसके फटने से चारों तरफ धुंध सी फैल जाती है और आम्रपाली को एक खुफिया ट्रैप डोर के जरिए निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये किसी इंसान का काम है, तुम्हें पता कैसे चला? योर ऑनर, छोटे से छोटा सुराग बड़े से बड़े षड्यंत्र को एक्सपोज करके रख देता है।
उस रात जब मैं आम्रपाली का लाइट एंड साउंड शो देख रहा था तो इंप्रेस तो हुआ लेकिन चौंका भी। देखिए क्यों, प्लीज वॉच केयरफुली यार। देखिए योर ऑनर, कांच का पुतला टूटा लेकिन कोई पत्थर नहीं, कोई तीर नहीं, कोई गोली नहीं। योर ऑनर, वो वहां नीचे पड़े सफेद टुकड़े पर नजर रखिए बिना कोई सबूत छोड़े। क्या है ये? प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये बर्फ की गोली है। जो लगती है तो जोर से लगती है योर ऑनर, लेकिन पलों में पिघल कर गायब हो जाती है। और इस पिघलते हुए बर्फ की गोली को देखकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये किसी आत्मा की नहीं, किसी इंसान की लंबी चौड़ी साजिश है। करोड़ों का दाम, इसीलिए आम्रपाली के भूत की कहानी बनाकर लोगों को इस हवेली से दूर रखा जाता था। जुज्जर सिंह को भी इसीलिए मारा गया है और ऑनर, नहीं तो इनके अफीम का धंधा बंद हो जाता, जिसका मतलब होता करोड़ों का नुकसान। ये गैंग चला कौन रहा? योर ऑनर, कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि दिन रात अफीम उगाने वाले के हाथों में अफीम की बू तो आ ही जाएगी। क्यों? और वो शख्स जिससे मैं जब भी मिला, मुझे उसके बदन से अफीम की बू आई, वो है हवेली का रखवाला जरीबा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जरीबा, अदालत तुमसे जानना चाहती है कि तुमने ये अफीम का धंधा क्यों शुरू किया। हम सब जानते हैं कि इस गिरोह के सरदार तुम ही हो। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर तुमने सुबीर को इस केस में फंसाया क्यों? विद्या मैम साहब के कहने पर। ऑर्डर ऑर्डर। मैम साहब ने कहा था कि अगर सुबीर साहब हवेली खरीद लेते हैं तो हमारी नौकरी चली जा रही है। और वकील साहब, मैंने अपने सारे जीवन अफीम देखी तक ना है, सच कहो। जरीबा तुम बैठो। योर ऑनर, में जरीबा के बेटे नंदू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? नंदू, जरा अपने हाथ अदालत को दिखाने का कष्ट करेंगे? नहीं साहब, नहीं। नंदू, ये जो तुम्हारे हाथों में से अफीम की बू आ रही है, इसके बारे में जरा अदालत को बताओ। बताओ, वरना खामखा वहां हवेली में छुपे हुए तुम्हारे गिरोह के बाकी लोगों को यहां बुलाना पड़ेगा। बुलाएं क्या? हम नहीं मारा जुज्जर सिंह जी को। ऑर्डर ऑर्डर। हम ही आम्रपाली की आत्मा, हम 10 लोगों का गिरोह है साहब। इसमें से 2 लोग मुंबई की फिल्म स्टूडियो में काम करते थे। ये सारा खेल करता वहीं से सीखा है उन्होंने। ये प्लान पूरा हमारा था साहब। हमारे बाबूजी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें जाने दीजिए, सजा हमको दीजिए साहब, हमको दीजिए। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। अदालत मिस्टर सुबीर जसोल को बाइज्जत बरी करती है।
और हुक्म देती है कि नंदलाल और उसके गिरोह को अदालत में 19 फरवरी को पेश किया जाए। और केडी, जहां मैं एक तरफ तुम्हारी काबिलियत की दाद देता हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं तुमसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा हूं। तुमने बिना मुझे बताए इस न्यायालय के साथ खिलवाड़ किया है। क्षमा चाहता हूं, जिसकी सजा में तुम्हें 11,000 रुपए भरने पड़ेंगे। मंजूर है यार। थैंक्स। अगर आप ना होते तो ये चाय मैं जेल में बैठकर पी रहा होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हवेली में भूत को देखने के बाद भी आप डरे क्यों नहीं? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्योंकि इससे भी बड़े डर का सामना करना था मुझे, तुम्हारा केस हार जाने का डर। वो झिलमिल, एक महापुरुष ने कहा था ना कि जो डर को करे पार उसकी वो जीत, नॉट हार। किसने कहा था? केडी पाठक। हंसाने और गुदगुदाने आ रहे हैं हमारे लाजवाब जोकर्स, जोकर मदन और जोकर बबलू। क्या कर रहा है? जोर से लग रही है। जोर से मारूंगा तभी तो पब्लिक हंसेगी। और ये आई अब हमारी ट्रपेज आर्टिस्ट डॉली, और ये हमारी दूसरी तरफ आए हैं अकबर। मदन, ये तुम्हारा एक्ट नहीं है, बबलू का एक्ट है। ये रस्सी तुम्हारा वजन नहीं ले पाएगी। लेना पड़ेगा, ये रस्सी भी जानती है कि ये मेरे मामा का सर्कस है। और तूने ज़्यादा बकवास मत कर, समझी? तू क्या? मैं तो तेरे आशिक को तेरी असलियत बता दूंगा। से एक निकला ना तो मामा को कहकर धक्के मार के सर्कस से बाहर भगवा दूंगा। अब पता चला जब असल में लगती है तो कितना दर्द होता है। बबलू, मैं 1.5 फुट गया, तेरे पे जंप मारूंगा ना तो जमीन में धस जाएगा। बदल, रुक जाओ, मैं इस सर्कस का रिंग मास्टर हूं, इसमें यह हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं बूढ़े रिंग मास्टर होगा तो अपने घर पे। ये सर्कस तेरे बाप का नहीं है, मेरे मामा का है, मेरा राज चलता है यहाँ। तुम सबकी स्टोरी ना मैं अच्छे से जानता हूँ,
अगर मामा के सामने सच्चाई खोल दी ना तो सबके सब सड़क पे भीख मांगते नजर आओगे। तू हमेशा हमें धमकी देता रहता, ब्लैकमेल है कहीं का? बेटा मैं तो ब्लैकमेलर हूँ और तू क्या है? तुमने और अब्बन ने सूरत में क्या क्या गुल खिलाया अच्छे से जानता हूँ। अगर मामा को मैंने सच बोल दिया ना तो दोनों के दोनों जेल में आटा पीसते नजर आओगे। मदन भाई, आटा नहीं पीसा जाता है, गेहूं पीसा जाता है। बबलू, अरे क्या तुम मार दूंगा? बबलू, अरे मार दूंगा। बबलू, अगर तूने तो मारा हाथ लगाया तो। मदन, अरे जान से मारे। छोड़ो सर, हाँ? देख लूँगा बेटा, पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को बोलूंगा कि तू मेरा मर्डर करना चाहता है। एक एक फंसोगे पुलिस आएगी तो, एक एक फंसोगे देखना तुम। कहीं ये वाकई पुलिस ना बुला ले। अगर मदन ने सच में पुलिस को बुला लिया ना तो पुलिस को तुम्हारे और ज़ेबिस्को के पुराने रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाए। मदन को किसी भी तरह रोको। ठीक है, बात करते हैं मदन से। सिर्फ नाम का रिंग मास्टर हूं मैं इस सर्कस का। पूरे हुक्म तो ये मदन जोकर चलाता है। रो मत बबलू, आज पहली बार तो तूने उस गुंडे को सही जवाब दिया है। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो खोप देता। अकबर, अकबर मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ज़ेबिस्को से नहीं। मदन झूठ बोल रहा है। अकबर, अकबर मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। अकबर, लगता है मदन ने अकबर को बता दिया कि तुम डॉली को चाहते हो। देखो, इसको तो हमारे दर्द का एहसास ही नहीं है। काश डॉली और अकबर के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छी जोड़ी दोनों। एनीवे, गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाई, फिर मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट मेरे डेढ़ फुट के दोस्त। वैसे आज तेरा गुस्सा देख करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। लेकिन जोकर को गुस्सा आना ठीक बात नहीं। जोकर का काम तो हंसाना है, हंसाते रहना चाहिए। अरे जब उसको को चाकू चुक, तब इसको तुम्हारा चाकू। चला गया तो चाकू उसे दे देना चाहिए, नहीं तो किसी को भी लग सकता है। मदन की नाक गिर गई, उसे दे देना चाहिए, नहीं तो वो मारेगा। मदन, मदन, अरे मदन मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त। केडी, हाँ। तुम हमेशा नियति को कोई ना कोई पहेली पूछकर एकदम कंफ्यूज कर देता है। अभी मैं तुमको एक पहेली पूछूंगी और उसका जवाब तुमको देने का है। ओके ओके मिसेस बिलमोरे, पूछे। एक लॉयर और उसका बेटा का कार एक्सीडेंट हो जाता है। बाप बेटा दोनों
हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर बेहोश, इतने में एंट्री डॉक्टर का, और डॉक्टर का लड़के को देखकर ये बोलना, अरे ये तो मेरा बेटा है। हाउ हाउ इंटरेस्टिंग, लॉयर का भी बेटा डॉक्टर का भी बेटा, और दोनों में से कोई भी सौतेला बाप नहीं है। एक्चुअली इसका जवाब बहुत ही सिंपल है मिसेस बिलमोरिया, जो डॉक्टर है वो, एक्सक्यूज मी, हाँ झिलमिल बोलो, किस किस किसको किसको बचाना है? जोकर पर कत्ल का इल्जाम। नो लाफिंग मैटर मिसेस बिलमोरिया। ठीक है झिलमिल, मैं देख लेता हूं। योर ऑनर, नाम बड़े और दर्शन छोटे तो सुना है, लेकिन आज पहली बार काम बड़े और दर्शन छोटे देखने को मिल रहा है। मुलजिम ब्रिजेश कुमार उर्फ बबलू जोकर, जिन्होंने 20 जनवरी की रात को रिंगो सर्कस में अपने सह जोकर मदन सिंह की छुरा घोप कर हत्या कर दी। कत्ल की वजह, मदन बबलू के साथ बुरा बर्ताव करता था और उसे बार बार सर्कस से निकाल देने की धमकी देता था। कत्ल का हथियार, ये 6 इंच का छुरा जिस पर बबलू की उंगलियों के निशान हैं। ये रही उसकी फोरेंसिक्स रिपोर्ट। बबलू की जोकर कोट का बटन जो मदन की लाश की मुट्ठी में मिला था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसी शाम को यही छुरा लेकर बबलू मदन की तरफ दौड़ा था उसे जान से मारने के लिए, जिसके कई सारे चश्मदीद गवाह यहां फ्रंट रो में बैठे हैं। अपील करती हूं कि इंडियन पीनल कोड सेक्शन 504 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर के तहत मुल्जिम पब्लो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पब्लो प्रोसिक्यूशन की बात सुनकर डर तो नहीं गए? डरूंगा तब ना, जब बात मेरी समझ में आएगी। मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। कुछ बातें हैं जो मेरी भी समझ में नहीं है। तुमने मदन को मारने के लिए चाकू उठाया था, राइट? जी जी, लेकिन उसे डराने के लिए। चाकू देख के तो मैं खुद डर गया था। Right, please. तो फिर तुमने चाकू नीचे फेंका जमीन पर, और मदन के साथ जब तुम्हारी हाथापाई हुई तो तुम्हारे कोट से बटन टूटकर वहीं जमीन पर गिर गया, मेन रिंग की जमीन पर। जी जी, वो बटन मेरा ही। हाँ, वो बटन जो मेन रिंग के जमीन पर पड़ा हुआ था, उस चाकू के साथ बटन और चाकू वहां से मदन के टेंट तक कैसे पहुंचा? कौन लेकर गया, तुम मदन या वो जो तुम्हें इस केस में फंसाना चाहता है? योर ऑनर, अगर बबलू ने खून किया होता तो सिर्फ चाकू लेकर मदन के टेंट में जाता। टूटा हुआ बटन वो मदन के हाथ में क्यों रखता? अपने आप को फंसाने के लिए। बबलू, तुम्हारी हाइट कितनी है? 4 feet 2 inches विथ हील। वंडरफुल योर ऑनर, मैं बबलू को कटघरे के बाहर बुलाने की इजाजत चाहूंगी। बबलू जी, पेन लीजिए, लीजिए, और इससे केली सर पर बात करें। लेकिन ऐसे ही छूट दो प्लीज। और फरमाइए योर ऑनर, बबलू की हाइट से ये वार सिर्फ पेट तक जाता है, और मदन के साथ भी यही हुआ, वार पेट पर हुआ इसी एंगल से। कोई दूसरा होता तो यही वार छाती तक जाता, इसका मतलब खून बबलू ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये बात साफ जाहिर है कि वार पेट पे हुआ।
लेकिन ये वार बबलू ने किया, ये किस किताब में लिखा है? योर ऑनर, मैं आपको बताता हूं कि ये कत्ल कैसे हुआ। बबलू प्लीज। योर ऑनर, ये सर्कस का मेन टेंट है, मेन रिंग जहां शो होता है, और इसके सामने बाकी के टेंट्स जहां पर स्टाफ रहता है। सबसे बड़ा ये टेंट जो नॉर्मली रिंग लीडर का होता है, लेकिन जिस पर मदन ने कब्जा किया, इसके विंडो के सामने 40 फुट की दूरी पर ये टेंट, इसकी खिड़की और इसकी खिड़की बिल्कुल आमने सामने। हो सकता है कि ये कत्ल किसी ने इस खिड़की से की। नामुमकिन। उस रात सर्कस का बाकी स्टाफ बाहर ही था और उन्होंने इस टेंट से, तो क्या किसी भी टेंट से किसी को भी मदन की टेंट में जाते हुए नहीं देखा सिवाय बबलू के? अग्रीड। क्योंकि कत्ल उस टेंट के अंदर से ही हुआ है। किसी ने उस टेंट की खिड़की पर खड़े होकर 40 फुट की दूरी से मदन पर निशाना साधा और छुरा फेंक कर उसकी हत्या की। This is ridiculous. 40 फुट की दूरी, रात का अंधेरा, इतना अच्छा निशाना कौन लगा सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा तुम्हें ललकार रही है ज़बिस्को। Your Honor, ज़बिस्को, the great knife thrower, अंधेरा तो दूर, अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर 20 फुट की दूरी से अचूक निशाना लगाते हैं। और मदन के टेंट के सामने वाला जो टेंट जिसका जिक्र हो रहा था अभी, वो भी तो तुम्हारा ही। Am I right? ज़बिस्को, ये लो चाकू। और वहां उस टेबल पर जो तरबूज मैंने रखा है जमीन से 3 फुट ऊपर, उस पर निशाना लगाओ। लेकिन ये लेकिन ध्यान रहे, आंखें बंद करके निशाना लगाना ताकि मैं भी तो देखूं तुम्हारा अचूक निशाना। प्लीज। अगर मैं चाहता तो जानबूझ के इस निशाने को चूक जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना ही मेरा निशाना गलत होता है और ना ही मेरी मुंह से निकली कोई भी बात। मदन का कत्ल बबलू ने ही किया है। मैंने खुद देखा है इसे मदन के टेंट में छुरा लेके जाते हुए। अरे ये क्या बोल रहे हो ज़बिस्को? अरे वो चाकू तो मैं तुम्हें लाकर देने वाला था। ज़बिस्को, तुम्हारा चाकू? डैडी, और कोई गवाह है तुम्हारे पास? है योर ऑनर, रिंगो सर्कस का रिंग मास्टर मिस्टर धवन। उस रात सर्कस रिंग से ज़बिस्को और बबलू से पहले आप निकले थे अपने टेंट की ओर, सही? जी, मैं सीधे अपने टेंट में गया था सोने के लिए। फिर अचानक 12 बजे मैंने बबलू की चीख सुनी। Right. तो मदन के टेंट से आपका टेंट कितनी दूरी पर है? जी, सबसे दूर मेरा टेंट है, यही कोई 100-150 फुट। 100 या 150? 150 फुट। 150 फुट, कमाल है मिस्टर दाम। 150 फुट की दूरी आपने 5 सेकंड में तय कर ली, क्योंकि सर्कस के बाकी लोगों का कहना है कि बबलू के चीखने के फौरन बाद आप वहां पहुंच गए थे। जी, मैं वो, सच बात ये है कि आप अपने टेंट में थे ही नहीं, कहीं और थे, राइट? जी, सच कहूं तो मैंने ज़बिस्को को हाथ में छुरा लिए हुए मदन के टेंट के पास जाते हुए देखा। मैं घबराकर उसे रोकने के लिए निकला, लेकिन
जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बबलू की चीख सुनी। योर ऑनर, मिस्टर धवन को ज़बिस्को पर शक है, ज़बिस्को को बबलू पर, और मुझे डॉली और अकबर पर शक है। योर ऑनर, कल रात जब मैं मदन के टेंट में गया तो मैंने देखा कि टेंट के छत पर छेद है। इसका मतलब किसी के आने जाने का रास्ता वहां से खुला था। छत की ऊंचाई कितनी थी? 20-25 फीट। लेकिन योर ऑनर, एक माहिर कलाबाज के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। क्यों डॉली? वैसे आपके ट्रपीज पार्टनर और मंगेतर अकबर आज अदालत में नहीं, क्यों? वो उसी रात से लापता है। अकबर लापता है योर ऑनर। डॉली, तुम्हें इल्म है कि कत्ल के बाद किसी का लापता होना क्या इशारा करता है? नहीं नहीं सर, सब मैंने ही, अकबर ने, हम दोनों में से किसी ने भी मदन का खून नहीं किया सर। उल्टा हम दोनों तो उसे समझाने के लिए उसके टेंट में गए थे, लेकिन वहाँ उल्टा मदन ने मेरे ही कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, जिससे अकबर को मुझ पे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में टेंट से बाहर चला गया। और सर ठीक उसी वक्त मैं भी अकबर के पीछे पीछे बाहर चली गई थी। कहाँ गए थे आप दोनों? सर्कस के पीछे एक तालाब है, मैं अकबर को वहीं पे लेके चली गई थी सर, उसे ये समझाने के लिए कि मैं उसी से प्यार करती और उसका मुझ पर शक बेबुनियाद है। उसके बाद क्या? मैंने अकबर को मना लिया था सर, फिर उसने मुझसे कहा कि मैं सर्कस वापस चली जाऊं, उसे मार्केट जाना था, वो एक्ट के लिए उसे रस्सी खरीदनी थी। डॉली, मैं सोच रहा हूँ कि रात के 12 बजे कौन से बाजार में कौन सी दुकान खुली होती है जहां से रस्सी खरीदी जा सकती है। खैर, नेवर माइंड, फिर तुम वापस सर्कस लौटी और मदन के लाश के आसपास सबको एकत्रित देखा और तभी से तुम्हारा मंगेतर अकबर गायब है। लेकिन वो डर की वजह से नहीं भागा, वो मुझसे रूठ कर गए, सब इस ज़बिस्को की वजह से, क्योंकि ये चाहता था कि मैं अकबर को छोड़कर इससे शादी करूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी ज़बिस्को। I hate you। तुम्हारी वजह से मेरा अकबर पता नहीं मुझे छोड़कर कहां चला गया, सब तुम्हारी वजह से ज़बिस्को। और मैं रिंग मास्टर धवन, नाइफ थ्रोअर ज़बिस्को, ट्रपीज आर्टिस्ट अकबर एंड डॉली। केडी, इस सर्कस में तो रिश्तों का सर्कस चल रहा है। हाँ, और ये रिश्तों के सर्कस में क्या सर्कस चल रहा है ये तो सर्कस जाकर ही पता चलेगा। Truly amazing. बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का शो। लेकिन वो आपके ट्रपीज पार्टनर, आपके जोड़ीदार, दरअसल वो तो शहर से ही गायब हो गया और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आने वाला, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। अब
अकबर का टेंट कहाँ है मिस्टर धवन, एक बार देख सकता हूँ? ये जैकेट अकबर की है जी। और वो रुमाल? ये रुमाल तो मदन का है, उस रात अपने गले में पहना हुआ था उसने। लेकिन समझ नहीं आ रहा मदन का रुमाल अकबर की जैकेट में कैसे। इस पर तो खून लगा हुआ है। Your Honor, ये मदन का रुमाल जो अकबर के टेंट से अकबर के कोट से मिली है मुझे, इस पर मदन के खून का धब्बा है और ये रही उस खून के धब्बे की फोरेंसिक रिपोर्ट। इस रुमाल पर लगा खून मदन का है, लेकिन ये रुमाल मदन का नहीं बबलू का है, क्योंकि मदन और बबलू के जोकर कॉस्ट्यूम्स हूबहू एक जैसे हैं और दोनों का रुमाल भी एक जैसा। बबलू तुम्हारा रुमाल कहाँ है? पता नहीं। लेकिन मदन के टेंट के छत पर उस छेद का क्या? Your Honor, मुझे अकबर पर शक है, क्योंकि शक से बढ़कर यकीन होता है मिस्टर डिफेंस लॉयर, और अब आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप इस बार एक बेगुनाह का नहीं गुनहगार का केस लड़ रहे हैं। डॉली, कत्ल से दो रात पहले बबलू ने मुझे एक राज बताया था। इसने मदन के टेंट में पैसों से भरा हुआ एक बक्सा देखा था। ऑर्डर, ऑर्डर। बक्से में कितने पैसे थे? जी, बबलू के मुताबिक यही कोई 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख योर ऑनर। और बबलू की नजर उन पैसों पर थी। क्या? अरे झूठ बोल रही है डॉली, झूठ बोल रही है ये। ऑर्डर, ऑर्डर। पुलिस सर्च के दौरान मदन के टेंट में ना तो बक्सा मिला और ना ही पैसे, तो वो 1.5 लाख गए कहा? इसका जवाब हमें रिंग मास्टर धवन जी देंगे। मैडम, कल शाम को मुझे फैजाबाद से फोन आया था बबलू की माँ का। मैंने उन्हें बताया नहीं कि बबलू जेल में है, वरना उन्हें सदमा पहुंचता। लेकिन फोन रखने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बबलू को इस बात की खबर कर दूं कि उन्हें पैसे मिल गए। पैसे? कौन से पैसे? जी, वही जो बबलू ने हवाले के जरिए अपनी माँ को भेजे थे, 1.5 लाख। ये भी झूठ बोल रहे हैं। अरे रिंग मास्टर साहब, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कोई पैसे की चोरी नहीं की। इस दुनिया में अक्सर कत्ल की दो वजह होती है, एक बदला और दूसरा पैसा, और बबलू के पास ये दोनों वजह थी। आईपीसी सेक्शन 504, सेक्शन 302 और अब सेक्शन 382 खून की तैयारी के साथ चोरी। Your Honor, डॉली ने ये बयान पहले क्यों नहीं दिया? गवाह अपना बयान बदल रहे हैं अकबर को बचाने के लिए, और हैरत हो रही है मुझे कि अकबर के लापता होने का शक मेरे अलावा और किसी को नहीं। उसका गायब होना इस बात का सबूत है कि इस कत्ल से उसका ताल्लुक है। Your Honor, शायद अकबर का पता चल गया है। दोपहर को सुराग मिला था, तब से पुलिस लगी हुई है, अब जाके लाश मिली। लेकिन सर, अकबर तो बहुत ही अच्छा स्विमर था, वो डूब के कैसे मर सकता है? क्या लगता है तुम्हें दामोदर, सुसाइड? अब ये सुसाइड है या मर्डर, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा।
वैसे केडी, बहुत दिनों बाद मिल रहा। सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख की मेरी गलती तो है नहीं, तुम ही गायब हो गए थे। क्या ट्रांसफर ले लिया था? अरे मैं किधर ट्रांसफर, उल्टा मैंने 5 यंगस्टर लोगों को ट्रांसफर कर लिया उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी में। क्या है, जुर्म की काली दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा के लिए नहीं, फन और एक्साइटमेंट के लिए क्राइम करते हैं। अभी अगर उनको पकड़ना है तो चाहिए उनके जैसा सोच और उनके जैसा एटीट्यूड। इसलिए मैंने ये 5 इक्के पाले हैं। तुम तो जानते हो एक ईमानदार पुलिस अफसर के रास्ते में कितने प्रॉब्लम आती है। जिधर खाके नहीं चलते उधर चलेंगे मेरे 5 खोटे सिक्के। सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख, ऑल द बेस्ट तुम्हें और तुम्हारे खोटे सिक्कों। अरे केडी सुनो, ये देखो। टीवी शो के लिए अभी 6 दिन पहले रिकॉर्ड किया था अकबर ने। ये हमारे आज के शो में अकबर को दी जाने वाली श्रद्धांजलि पर दिखाया जाएगा ये टेप। दैट्स रियली सैड। वैसे मिस्टर धवन, मैंने फैजाबाद फोन करके बबलू की मां से बात की थी। उनका कहना है कि उनको तो कोई 1.5 लाख रुपए नहीं मिले और उन्होंने आपको फोन भी नहीं किया था। नहीं सर, वो झूठ बोल रही हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बस कीजिए धवन जी, झूठ वो नहीं बोल रहे, झूठ हम बोल रहे हैं। सर वो कोर्ट आने से पहले किसी ने हम दोनों को ये नोट दिया था। स्टेशनरी भी सेम, लिखावट भी सेम। मदन अकेला नहीं था जो तुम्हारा राज जानता था। अगर अदालत में बबलू के खिलाफ नहीं बोला तो ये राज मैं खोल दूंगा। ये वही राज है जिसके बलबूते पर मदन सबको ब्लैकमेल करता था। सेम जी, आज से 2 साल पहले इसी रिंग में लगी एक आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। वो आग मेरी लापरवाही की वजह से लगी थी। हमारे सर्कस के ओनर को अभी तक इस बात का पता नहीं है। यही मेरा राज है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अकबर को ये बात पता नहीं थी और अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता। बस यही मेरा राज है। ज़मिस्को, तुम्हारा राज क्या है? मेरा कोई राज नहीं है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास ऐसा एक नोट भी नहीं। अरे बबलू यहाँ? नहीं सर, ये बबलू नहीं है, ये गोपाल चोकर। थैंक यू गोपाल। वो क्या है ना, कॉस्ट्यूम में सारे जोकर्स एक जैसे ही लगते हैं। योर ऑनर, जोकर मदन का कातिल कौन है ये सिर्फ एक ही शख्स हमें बता सकता है, खुद जोकर मदन। आइए, आप भी आइए। ऑर्डर ऑर्डर। चिंता मत करो बेटी, इसमें से कोई जोकर मदन नहीं है। ठीक उसी तरह योर ऑनर जैसे उस रात जो जोकर जगलिंग करता हुआ सीटी बजाता हुआ वहां से निकला, वो मदन नहीं था, उसका कातिल था। ये तुम कैसे कह सकते हो केडी? आप दोनों जा सकते हैं। बबलू, आज सवेरे जो बात तुमने मुझे कही थी, मैं चाहता हूं कि तुम अदालत से भी कहो। जज साहब, आज सुबह मुझे याद आया, मदन को सीटी बजाने आती ही नहीं थी, उल्टा वो मुझसे सीटी बजाना सीखने की कोशिश करता था, लेकिन मुझसे अच्छा कभी नहीं बजा सका। आप खुद सुन लीजिए।
ऑर्डर ऑर्डर। तो मदन को सीटी बजाते सुन हैरानी नहीं हुई आपको? हुई, एक और बात पे हैरत हुई। वो जगलर भी अच्छा नहीं था, इतनी अच्छी जगलिंग वो नहीं कर सकता था। और उसकी असलियत सामने ना आ जाए इसलिए कुछ कहे बिना सीटी बजाता हुआ जगल करता हुआ बबलू पर बॉल फेंक कर वहां से निकल गया। अगर वो मदन नहीं था तो कौन था? मिस्टर धवन या जबिस्को या फिर बबलू? इन तीनों में से तो कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो वहीं सामने थे। और वहां जो नहीं थे वो है डॉली और अकबर। लेकिन मैं और अकबर तो सर्कस से बाहर गए थे। सर्कस से बाहर गए थे और फिर इनमें से कोई एक लौटा, नीचे बैठे लोगों को पता ना चले इसीलिए रात के अंधेरे में काले कपड़े पहनकर टेंट के ऊपर लगे रस्सियों के द्वारा मदन के टेंट के ऊपर पहुंचे। छत में छेद से टेंट के अंदर डुप्लीकेट जोकर कॉस्ट्यूम पहनी और बाहर आया ताकि सबको ये लगे कि मदन अब भी जिंदा है। और फिर सीटी बजाते हुए जगल करते हुए बबलू के सर पे बॉल मारकर फिर टेंट में चला गया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। योर ऑनर, इतनी सफाई से, इतनी स्फूर्ति से, इतने कम समय में उस छेद से आना जाना तो एक माहिर कलाबाज ही कर सकता है, क्यों डॉली? नहीं नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। बबलू ने कोई खून नहीं किया सर। ऑर्डर ऑर्डर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है केडी सर, ये पूरा का पूरा प्लान अकबर का ही था। उस रात उसने बड़ी चालाकी से बबलू के हाथ से गिरा हुआ छुरा और उसका टूटा हुआ बटन उठा लिया था और फिर मेरे साथ वो मदन के टेंट में गए और वहां जब मदन ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई तो मुझ पे शक करने के बहाने से अकबर टेंट के बाहर आ गया था। और फिर जब मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आई तो उसने मुझे बताया कि ये सब तो उसके प्लान का एक हिस्सा था ताकि मदन की पुलिस वाली धमकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर उसने मुझे वहीं तालाब के पास वेट करने के लिए कहा और फिर वही हुआ जो आपने अभी भी कहा केडी सर। मदन का खून कर दिया तो सर मैं बहुत डर गई थी। मैंने अकबर को उसी वक्त बोल दिया कि मैं खूनी से शादी नहीं कर सकती। वो मुझ में बहुत भड़क गए, हम दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हुई और फिर गुस्से में अकबर वहां से चला गया मुझे वहां अकेला छोड़कर। और उसके बाद 3 दिनों तक अकबर का कोई पता नहीं। मुझे पाने के लिए उसने मदन का कत्ल किया था और जब मैंने उसे ठुकरा दिया तो उसका दिल टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। सिर्फ मेरी वजह से हुआ सब। कातिल अकबर को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अकबर की मौत के बाद इस केस को आगे बढ़ाना फिजूल है, इसलिए मैं इस केस को यही खत्म करता हूं। योर ऑनर, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप ये केस यही बंद करें। इससे पहले मैं बबलू से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। बबलू, उस रात जब अकबर मदन के भेष में आया था तो जाने से पहले आखिरी काम क्या किया था उसने? मुझे बॉल से मारा था। बॉल से तुम्हें मारा था? राइट, बॉल से मारा था। बबलू,
याद करने की कोशिश करो कि कौन से हाथ से बॉल फेंका था उसने। बाएं हाथ से। बाएं हाथ से। चो जी जी, यानी कि लेफ्ट हैंड। ज़बिस्को मिस्टर धवन, आप दोनों भी वहां थे क्या? बबलू सही कह रहा है जी। क्यों योर ऑनर, कल मैंने सर्कस का जो फुटेज देखा था उससे साफ जाहिर कि अकबर राइट हैंड, तो फिर ये लेफ्ट हैंडेड कौन है? डॉली कैच। वो लेफ्टी, लेफ्टी डॉली है, डॉली। Quiet please, quiet. Your Honor, कहानी बिल्कुल वही है, बस पात्रों के किरदार बदल गए, रोल्स रिवर्स्ड। कत्ल से घबराए अकबर और कत्ल किया डॉली ने। मैं? हाँ डॉली, तुमने। अकबर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि उसने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसके सर पर वार किया और फिर उसे पानी में ढकेला। उसका मर्डर हुआ है और वो मर्डर तुमने किया है। हाँ हाँ हाँ, अकबर को मैंने ही मारा, मैंने मारा अकबर को। उसे उसे जब पता चला था कि मैंने मदन का खून कर दिया है, तो वो बिल्कुल हिल गया था। मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रहा था वो। मुझे मुझे गुस्सा आ गया और मदन को मैंने इसलिए मारा ताकि वो अकबर को कहीं कहीं मेरी पहली शादी के बारे में ना बता दे। लेकिन अकबर को मैंने फिर भी खो दिया अकबर को। मैंने अपने अकबर को खुद ही मार डाला। मिस डॉली को हिरासत में लिया जाए और ब्रजेश कुमार उर्फ बबलू को बाइज्जत बरी किया जाए। वेल डन बबलू। जोकर होकर रो रहे हो? नहीं सर, ये तो खुशी के आंसू हैं। पर केडी, तुमको कैसा डाउट हुआ कि वो जोकर आदमी नहीं औरत है? इस सवाल का जवाब आपकी पहेली का भी जवाब है। एक लॉयर और उसके बेटे का एक्सीडेंट होना, हॉस्पिटल में दोनों बेहोश, डॉक्टर की एंट्री, डॉक्टर के मुंह से निकलना, अरे ये तो मेरा बेटा है। डॉक्टर भी बाप और लॉयर भी बाप, उस लड़के के दो बाप थे सर। नहीं बबलू, उसके दो बाप थे, लॉयर उसका बाप था और डॉक्टर उसकी माँ। Am I right or am I